अब हम A to Z मतलब जो 10 पॉइंट मैंने बताया था उनका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। पहला था स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। अलेक्सा स्टूडियो बंद कर दो। तो ये देख लीजिए, स्टूडियो से हमने एक बोर्ड कनेक्ट कर रखा है और उसे लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। अलेक्सा स्टूडियो ऑन कर दो। ओके, तो यहाँ से हमारा जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो गया है। स्टूडियो से मैंने लाइट का कनेक्शन कर रखा है तो इसलिए लाइट सिर्फ ऑन ऑफ हो रही। अगर हम फैन का भी करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन अभी हमने नहीं किया है। या फिर हमारे जो फैन है वो वाईफाई सपोर्टेड नहीं है तो वो डायरेक्ट भी नहीं है। अगर वाईफाई सपोर्टेड हो तो डायरेक्ट रहता है, अगर नहीं है तो आप बोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड से नहीं कर रखा, ठीक है। तो फिलहाल अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, अलार्म और रिमाइंडर पे। बाकी ऑन ऑफ में मैंने बताया था कि एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, मतलब जितना भी आइटम है सब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है अलार्म। अलेक्सा सुबह 10 बजे का अलार्म लगा दो। अलेक्सा कल सुबह के 10 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। 11 बजे का अलार्म लगा दो। 11 बजे सुबह या शाम? सुबह दूसरा अलार्म कल सुबह के 11 बजे के लिए सेट कर दिया है। आपने देखा, अगर आप सुबह शाम नहीं बताएंगे तो इसको एएम या पीएम बोलिए, या फिर आपको सुबह शाम बताना पड़ेगा, जिससे कि इसको कन्फ्यूजन ना हो कि आप सुबह का लगाना चाहते हैं या शाम का लगाना चाहते हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं तो इसको अभी कन्फ्यूजन था कि आप रात के 11 बजे लगाना चाहते हैं या सुबह का, ठीक है। तो आपको सुबह शाम बोलना पड़ेगा या एएम पीएम बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिमाइंडर की। अलेक्सा 5 मिनट बाद का रिमाइंडर लगा देना कि हमें यूट्यूब वीडियो बनाना है। ठीक है, मेरी ओर से 5 मिनट में आपको याद दिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर लग गया, अभी 5 मिनट हो जाएंगे तो ये बोलेगी, ठीक है। आगे 3 नंबर पे है म्यूजिक सुन सकते हैं। तो म्यूजिक मैंने बताया कि कई सारे प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं, तो हम सारा ट्राई करेंगे। ओके अलेक्सा प्ले धीरे धीरे फ्रॉम सावन। प्लेइंग धीरे धीरे फ्रॉम जियो सावन। आई नो व्हाट यू थिंकिंग, एवरी टाइम एन ऐड कम्स अप व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक। अलेक्सा स्टॉप। तो ये देखा ऐड आई, क्यों? क्योंकि जो जियो साउंड है वो अपने ऐप पे भी ऐड देता है और यहाँ भी ऐड दे रहा है, ठीक है। अलेक्सा प्ले धीरे धीरे फ्रॉम गाना। आई कांट फाइंड द एल्बम धीरे धीरे ऑन गाना। सॉरी, ये गाना अवेलेबल नहीं है उस पे, या फिर ये फाइंड नहीं कर पा रही है। अलेक्सा प्ले तुम मेरे हो। हियर्स तुम मेरे हो फ्रॉम योर लाइब्रेरी ऑन अमेज़न म्यूजिक। ठीक है अलेक्सा, स्टॉप। तो यहाँ पे अलेक्सा के लिए 4 माइक दी गए हैं, या 1, 2, 3, 4, ठीक। तो चारों ऊपर ही हैं, 4 माइक इसलिए दी गई हैं ताकि ये आपकी आवाज अच्छे से सुन सके और चारों तरफ से सुन सके, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने जब डिफॉल्ट बोला कि कोई गाना बजाते हैं अमेजॉन लाइब्रेरी से बजाता है, लेकिन आपको कोई यूनिक प्लेटफॉर्म से बजाना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये वाला गाना इस प्लेटफॉर्म से बजाओ। जैसे अलेक्सा प्ले गाना फ्रॉम हंगामा। शो हियर्स हंगामा म्यूजिक। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। अलेक्सा स्टॉप। बस अलेक्सा प्ले फ्रॉम गाना। हियर्स गाना। अलेक्सा स्टॉप। अलेक्सा प्ले म्यूजिक फ्रॉम एप्पल म्यूजिक। To listen to Apple Music, go to the Alexa mobile app and link your account. I've sent the details to your Alexa app. तो Alexa का जो Apple Music है वो connect नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। Alexa, play music from Spotify. Okay, here's Spotify. देखा, तो ये ऐसे काम करता है। अलेक्सा स्टॉप। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ सॉन्ग्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वॉइस क्लियर ना होने की वजह से ये पकड़ नहीं पाती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम मेरे हो या गाना पे अवेलेबल ना हो, मे भी अवेलेबल ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अगर होगा तो बोलने में या उसके समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी।
तो अगर आपको ये गाना सुनना चाहते हैं तो आप इस तरह से सुन सकते हैं, वो भी एड फ्री, जियो साउंड पे एड आ रही थी और किसी पे एड नहीं आई है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि एलेक्सा न्यूज सुनाओ आज तक से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। पीड़ित लड़कियों वाले राहुल के बयान के पीछे पड़ी पुलिस, घर पहुंचे अधिकारियों से बोले राहुल, बाद में बताएंगे नाम, भर्ती कांग्रेस का बड़ा आरोप। एलेक्सा ऊपर के साथ स्टॉप। एलेक्सा एबीपी से न्यूज सुनाओ। नमस्ते समीर, ये रही आपकी खबरें आज तक से। नमस्कार एलेक्सा स्टॉप, आप सुन रहे हैं। एलेक्सा एबीपी न्यूज से न्यूज सुनाओ। सॉरी, एयर न्यूज़'s अपडेट्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। एलेक्सा आई थिंक आज तक ही सपोर्ट करता है न्यूज के लिए, तो चलिए न्यूज फिलहाल हो जाएगी। अगर आप कोई न्यूज जानना चाहते हैं तो न्यूज आज तक की जो हेडलाइंस होती हैं टॉप की, वही बताता है। मैंने कई बार सुना है तो आज तक से ही सपोर्ट करके तुरंत बता देता है कि ये न्यूज है, या फिर उनकी हेडलाइंस जो होती है वो तुरंत बताता है, ठीक है। अब पांच नंबर पे आता है मौसम की जानकारी, तो एलेक्सा मौसम की जानकारी। फिलहाल लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आसमान में बादल छाए हैं। आज रात न्यूनतम 18 डिग्री तापमान के साथ बिजली गर्जने का अनुमान है। एलेक्सा क्या रात में बारिश होगी? आज रात लखनऊ उत्तर प्रदेश में शायद बारिश हो सकती है, रात के 8 बजे 51% की संभावना है। तो छठे नंबर पर है बिल पेमेंट की बात करते हैं, तो एलेक्सा मेरा बिजली का बिल पे कर दो। आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। जरूर, शुरू करने के लिए कृपया मुझे अपने बिजली बोर्ड या सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताएं। मध्यांचल। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, आपकी सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? मध्यांचल विद्युत सपोर्ट नहीं कर रहा। एलेक्सा मेरा नंबर रिचार्ज कर दो। जरूर, आपका का रजिस्टर किया हुआ फोन नंबर क्या है? 770-0406। आपको अपने उस नंबर के बिल की पेमेंट करनी है जिसके आखिर में 0406 है ना? हाँ। पिछली बार आपने 209 रुपए का रिचार्ज किया था, मौजूदा समय में इससे आपको 1 GB डेटा पर डे, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड 100 SMS पर डे फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 28 डेज। यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन टू जियो एप्स। मिलेगा क्या आपको वही रिचार्ज दोहराना है? हाँ। चेक करने के लिए पूछा जा रहा है, 209 रुपए है ना? हाँ। शायद आपके अमेज़न पे का बैलेंस कम है, उपी के जरिए पेमेंट करने पर आपको 15 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। क्या आपको उपी के जरिए 209 रुपए का रिचार्ज करना है? हाँ। कृपया इंतजार करें। ठीक है, मैंने आपके Amazon शॉपिंग ऐप पर UPI पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी है, उस पर क्लिक करके पेमेंट पूरी करें। तो इसने मेरे जो Amazon का ऐप है उसमें ये पेमेंट का लिंक सेंड कर दिया, वहाँ से मैं UPI का पेमेंट करूँगा तब मेरा रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मतलब पेमेंट हो सकता है, और बिजली का बिल आपको पूरी डिटेल बताना होगा, तो यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एलेक्सा गैस बुकिंग कर दो। जरूर, शुरुआत करने के लिए कृपया मुझे अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बताएं, जैसे कि भारत गैस, इंडेन या HP। इंडेन। ठीक है, आपका इंडेन गैस का रजिस्टर किया हुआ फोन नंबर क्या है? देखा, तो अभी नंबर बताएंगे उसके बाद ये बता देगी कि ये है, उसके बाद ये पेमेंट भी करवा देती है, तो आपके यहाँ पेमेंट भी नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट घर पे सिलेंडर डिलीवर हो जाता, ठीक है। तो ये भी इससे आप कर सकते हैं काफी आसानी से। ये मान्य नंबर नहीं है, कृपया एलेक्सा स्टॉप। तो ये काफी आसान तरीके से आप इससे काम करवा सकते हैं, और अमेजोन से ऐसे कुछ ऑर्डर करना है तो एलेक्सा
मेरे लिए अमेजॉन से एक फेस वॉश ऑर्डर कर दो। आपकी ऑर्डर हिस्ट्री के आधार पर मुझे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सभी त्वचा के लिए ब्राइटनिंग फोमिंग फेस वॉश 100 GM मिला। इसकी कीमत ₹327 है। कल की डिलीवरी के साथ मैंने इसे आपके Amazon कार्ट में डाल दिया है, जहां आप चेकआउट से पहले प्रोडक्ट और बेचने वाले की जानकारी देख सकते हैं। खरीदने के लिए कहें इसे अभी खरीदो। Alexa, इसे अभी खरीदो। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सभी त्वचा का आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। ये कल लखनऊ में डिलीवर हो जाएगा। तो ₹16.35 का डिस्काउंट और क्रेडिट जोड़ने के बाद कुल ₹310.65 देने होंगे। इसमें टैक्स शामिल है। वैसे आप अमेज़न पर अपने अमेज़न पे बैलेंस को टॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, चेक है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिचार्ज वाला था वो पेंडिंग आ गया है और ऑर्डर सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा। Alexa, कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। Your last Amazon order was placed today. It has one item in it. Face Washington, would you like to cancel it? Yes. Okay, order cancelled. उसने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 7 नंबर पे है कि Alexa अपना एक चुटकुला सुनो। सोनू ने चिंटू से पूछा, यार मैं ये ठंड से कैसे बचूं? चिंटू ने बोला, कमरे के किसी भी कोने में चला जा, वो हमेशा 90 degrees पे ही रहता है। Alexa, एक चुटकुला सुनो। चिंटू ने पिंटू से कहा, यार तुझे पता है मैं मैथ्स में कितनी बार फेल हुआ हूं? पिंटू ने पूछा, कितनी बार? चिंटू ने जवाब दिया, यार गिनती याद नहीं है कितनी बार हुआ हूं। जय श्री राम। ठीक है, और चुटकुलों के साथ साथ मैंने शायरी बोला। Alexa, शायरी सुनो। रेखता से चलिए कुछ दोस्ती भरी शायरी सुनते हैं। हमको यारों ने याद भी न रखा, हमको यारों ने याद भी न रखा, जान यारों के यार थे हम तो। Alexa स्टॉप। देखो, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये रेखता से ही शायरी सुनाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे कि Alexa एक अपनी शायरी सुनाओ। अर्ज किया है, सफर है जो जारी, मंजिल भी जाएगी मिल। सफर है जो जारी, मंजिल भी जाएगी मिल। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। ठीक है, तो अपनी शायरी कुछ इस तरह से बना के सुनाती है। अगर आप सिंपल शायरी बोलेंगे तो ये रेखता से कोई ना कोई शायरी उठा के फिर आपको पकड़ा देगी। ठीक है, चिपका देगी मतलब। और जोक के बारे में ये कि जोक भी आप बोलेंगे, अपने जोक सुनाओ तो कुछ छोटे मोटे जोक सुनाएगी, और अगर आप जोक्स के बारे में बोलेंगे तो काफी बड़े बना देगी, और जोक के साथ साथ कहानियां भी सुनाती है। Alexa, एक अपनी कहानी सुनाओ। ये रही एक कहानी जिसका नाम है टिफिन। रजत के लिए पिछले 7 सालों से एक ही फिक्स रूटीन था, सुबह 8:45 की ट्रेन पकड़ो और नोएडा जाओ जहां उसका ऑफिस था, फिर शाम के 6:30 घर के लिए निकलो। इतने सालों में उसके लिए कुछ नहीं बदला था सिवाय दोपहर में 1 घंटे के लंच ब्रेक के, जिसमें वो बड़े मन से अपने टिफिन में लाए खाने को एंजॉय करता था। रजत के लिए ये दिन का सबसे बेहतरीन वक्त होता था और उसका टिफिन बॉक्स सबसे कीमती चीज। लेकिन आज कुछ अलग बात थी, क्योंकि रजत थोड़ा परेशान चेहरे के साथ ऑफिस आया। उसके कुलीग सुमित ने उसे देखते ही पूछा, अरे क्या बात है, आज तुम टिफिन नहीं लाए? सुमित अकेले रहता था
और उसके यहां रजत की तरह खाना बनाने के लिए कोई कुक नहीं था। रजत उसके संग रोज अपना टिफिन शेयर करता था। रजत ने कहा, आज मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि उतरते वक्त ध्यान ही नहीं रहा कि टिफिन उठाना भूल गया हूं, और वो सीट पे ही रह गया। ये सुन के सुमित का भी मन उदास हो गया, क्योंकि वो तो यही सोचकर आया था कि रोज की तरह रजत का टेस्टी टिफिन शेयर करेगा। जब लंच टाइम होने ही वाला था तो रजत ने सोचा कि कैंटीन से जाके ही कुछ खा ले। लेकिन उसने इतने सालों में एक भी बार कैंटीन से कुछ नहीं खाया था, तो उसे आज भी मन नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि अभी पूरा दिन बाकी है, बिना खाए तो दिक्कत हो जाएगी। उसे ये भी ख्याल आ रहा था कि आज कोई और उसका टिफिन एंजॉय करेगा, और ये सोच के उसे जेलसी हो रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। पीछे उसका कलीग रवि उसका टिफिन लेके खड़ा था। रजत जैसे किसी बच्चे की तरह खुशी के मारे उछल गया और बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो रवि ने बोला, भाई तुम जब मेट्रो से उतरे तो मैंने देखा कि तुम उसे उठाना भूल गए हो, तो मैंने तुरंत उठा लिया। फिर तुम्हें बहुत आवाज भी लगाई, मगर भीड़ और शोर की वजह से तुम शायद सुन नहीं सके, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस में ही मिलके दे दूंगा। रजत ने रवि को इतनी बार थैंक यू कहा जैसे रवि ने उसे कोई बेशकीमती खजाना दे दिया हो। तो देखा, ये एक छोटी सी टिफिन की कहानी थी जो कि रवि ने एंड किया टिफिन लेके। ठीक है, अब 8 नंबर पे है कि हम इसमें गेम खेल सकते हैं। तो इसमें गेम खेलने के लिए आप कोई फिजिकल गेम तो खेल नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें बातों बातों का गेम खेला जाता है, जिसे सिर्फ मुझे फिलहाल अभी एक ही आता है। अलेक्सा, चलिए गेम खेलते हैं। मेरे पास चिड़िया उड़ है, इसे आजमाना चाहेंगे? आप चाहे तो और ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। अलेक्सा, कोई और गेम? सॉरी, मुझे ये पूरी तरह समझ नहीं आया। मेरे पास चिड़िया उड़ है, इसे आजमाना चाहेंगे? यस। अरे बिल्कुल, ये रहा चिड़िया उड़। चलिए, बहुत मजा आएगा चिड़िया उड़ खेलने में। अगर यह उड़ सकता है तो कहो उड़, अन्यथा कहो पास। चिड़िया उड़। उड़। मैना उड़। उड़। कठफोड़वा उड़। ये क्या होता है? पास। हिरण उड़। पास। लोमड़ी उड़। पास। उपक उड़। उड़। घोड़ा उड़। पास। चमेली उड़। पास। रॉकेट उड़। उड़। जिराफ उड़। पास। मगरमच्छ उड़। पास। गौरिया चिड़िया उड़। पास। गौरिया चिड़िया तो रहता ही बादलों के पास है। नेक्स्ट। कबूतर उड़। उड़। पपीहा उड़। उड़। तबला उड़। पास। उल्लू उड़। उड़। आप तो बहुत अच्छा खेले, मुझे बहुत मजा आया। आपके अंक है 15। यदि आप फिर से खेलना चाहते हैं तो हाँ कहें। ना। गुड बाय। देखा भाई साहब, तो कुछ इस तरह से आप इसके साथ चिड़िया उड़ खेल सकते हैं। और भी गेम्स आई थिंक हैं, बट उसके लिए आपको एलेक्सा का जो ऐप है उसमें आपको इनेबल करना पड़ेगा। अभी हमने केवल चिड़िया उड़ इनेबल किया था, शायद इसलिए एक आ रहा है। आई थिंक और भी गेम होंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इस पर अभी रिसर्च नहीं किया है। बाकी मैं आगे वीडियो और बनाऊंगा अगर और भी गेम्स अवेलेबल हैं तो। ठीक है, अब गेम के बाद आता है 9 नंबर पे,
तो है किसी जानवर या पक्षी या फिर किसी और की आवाज निकालना, ठीक है? एलेक्सा, अमित जी की आवाज निकालिए। सॉरी, मुझे वो नहीं मालूम। एलेक्सा, मोर की आवाज निकालो। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? कुत्ता। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? हाथी। कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? शेर। ये रिकॉर्डेड वॉइस से पता चल रहा है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? मंकी। तोता की आवाज निकालो। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? उल्लू। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? बिल्ली। ये आवाज हैमस्टर की है। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? बिल्ली। अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? एलेक्सा, एलेक्सा, रो के दिखाओ। यह आवाज कठफोड़वा की है। एलेक्सा, स्टॉप। ठीक है, अलविदा। अलविदा से नीचे बात नहीं करती है। मैंने क्या बोला था? कुछ बोला था, भूल गया। हाँ, रो के दिखाओ। एलेक्सा, रो के दिखाओ। But पुष्पा, I hate tears. ठीक है, तो ये इसके कुछ डायलॉग हैं जो कि खुद बनाती जो कि खुद बनाती है। कुछ इसके प्री इनबिल्ड आई थिंक डायलॉग हैं। पुष्पा, I don't tears. ठीक है, तो ये किसी मूवी का डायलॉग है। ठीक है, एलेक्सा, हंस के दिखाओ। बिल्कुल, मैं हंस सकती हूँ। हंस सकती है बट रोएगी। एलेक्सा, रो के दिखाओ। मगर मैं तो हंसने हंसाने वालों में से हूँ। एलेक्सा, जोर से बोलो। मगर मैं तो हंसने हंसाने वालों में से हूँ। तो जोर से बोलो जय माता दी नहीं बोलती है, अपनी आवाज इंक्रीज करती है। ठीक है, एलेक्सा, जोर से बोलो। अपना वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर लेता है। वॉल्यूम इसका 0 से मतलब या 1 से 10 तक है, जिसमें अभी मैंने 7 पे कर रखा ताकि आपको क्लियर आवाज सुनाई दे मे बी। लेकिन रूम में अगर आप इसको यूज करते हैं तो 5 पे इनफ होता है या फिर बेस्ट क्वालिटी देता है। और अच्छी चीज़ है कि अगर इसको 10 पे भी करेंगे ना तो जो सिंपल स्पीकर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा फटने लगते हैं इसमें, लेकिन फटने की आवाज़ बहुत बहुत ही नाम मात्र आती है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी के स्पीकर्स लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और माइक्रोफोन तो एक नंबर के। एलेक्सा, क्या तुम बहरी हो? मुझे आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। एलेक्सा, क्या तुम बहरी हो?
दीवारों के भी कान होते हैं और मेरे पास तो कई हाई परफॉर्मेंस माइक्रोफोन्स हैं। देखा तो बहरी नहीं है। अब 10 नंबर पे जाते हैं। तो 10 नंबर पे मैंने बोला था स्टॉक मार्केट का ज्ञान रखती है। अलेक्सा स्टॉक मार्केट का न्यूज बताओ। stockmarketwatch.com से मिला एक अनुवाद। दिन में पहले एक कठिन शुरुआत के बाद आज शेयर कारोबार में उच्च स्तर पर रहे। अलेक्सा टाटा स्टील का स्टॉक मार्केट का रेट बताओ। 17 मार्च 2023 को दोपहर के 3:30 पर टाटा स्टील का लास्ट ट्रेड प्राइस 107.00 रुपए था। 17 मार्च 2023 को दोपहर के 2:30 पर शेयर बाजार की कीमत 57,989.9 थी। अलेक्सा टाटा मोटर्स की स्टॉक की प्राइस बताओ। 17 मार्च 2023 को दोपहर के 3:30 पर टाटा मोटर्स का लास्ट ट्रेड प्राइस 419.00 रुपए था। तो अभी आज है 18 तारीख, तो आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो कल फ्राइडे था। तो फ्राइडे का लास्ट बताते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलती है, तो लास्ट मार्केट डेट बता रहा है। लेकिन अगर आपको लाइव जाना है तो लाइव भी बता सकती, जब भी आप करंट टाइम पे पूछेंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो अलेक्सा लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है। लखनऊ से कानपुर कार से जाने पर 92.1 किलोमीटर की दूरी पर है। 92 किलोमीटर। अलेक्सा लखनऊ से हरिद्वार की दूरी कितनी है। लखनऊ से हरिद्वार उपजिला कार से जाने पर 528.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अलेक्सा लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी है। लखनऊ से दिल्ली कार से जाने पर 473.2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसके जो है, जो मतलब ये काम कर सकती है, उसका ये एक केवल ये है एग्जांपल। तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला था, इसलिए मैंने उसमें नहीं रखा था, अलग से वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।